सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अर्बन स्टाइल की फोटो एडिटिंग ओनली लाइटरूम ऐप की मदद से कैसे बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितनी कमाल की लग रही है। अगर आपको भी ऐसी फोटो एडिटिंग सीखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लाइटरूम ऐप पर ये पिक्चर ओपन कर ली है। सबसे पहले यहाँ पर हम लाइट में जाते हैं। लाइट में जाने के बाद इसके एक्सपोजर को 0.30 कर देना होगा और इसके कंट्रास्ट को 50 कर देना होगा। ये कर देने के बाद इसके हाईलाइट को -23 कर देना होगा और इसके शेडो को 46 कर देना होगा और इसकी वाइट को -80 कर देना होगा और इसकी ब्लैक को 60+ कर देना होगा। ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये स्टेप फॉलो करने के बाद दोस्तों यहाँ सब कर देगा डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ कलर में जाकर यहाँ पर इसकी वाइब्रेंस को कर देते हैं 50+। ये कर देने के बाद इसकी सेचुरेशन को -10 कर देना होगा और यहाँ पर मिक्स टूल में जाके दोस्तों यहाँ पर इसकी रेड की हुई कॉम कर देते हैं 14-, और इसकी सेचुरेशन को -50 कर देते हैं। अब ये कर देने के बाद इसकी लुमिनेंस को 40+ कर देते हैं। 14+ करने के बाद ऑरेंज कलर में क्लिक करके यहाँ पर इसकी हुई को -10 कर देते हैं और इसकी सेचुरेशन को -23 कर देते हैं। अब ये कर देने के बाद दोस्तों इसकी लुमिनेंस को 26 कर देते हैं प्लस। कर देने के बाद येलो कलर पर क्लिक करके इसकी हुई को -100 कर देते हैं और इसके सेचुरेशन को -30 कर देते हैं। ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसके लुमिनेंस को +26 कर देते हैं और यहाँ पर ग्रीन कलर की सेचुरेशन को -100, सेन कलर की सेचुरेशन को -100, ब्लू कलर की सेचुरेशन को -100, पर्पल कलर की सेचुरेशन को -100 और मर्जेंडा कलर की सेचुरेशन को -100 करके यहाँ से डन करते हैं। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके या फर्स्ट वाले पर क्लिक करके या वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर इसकी हुई को हम कर देते हैं 219। ये कर देंगे इसके सेचुरेशन को +5 कर देते हैं। ये कर देंगे थर्ड वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पर इसकी हुई को हम कर देते हैं दोस्तों 220। अब ये कर देंगे इसके सेचुरेशन को -10 कर देते हैं। ये कर देने के बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं डन। डन करने के बाद यहाँ इफेक्ट वाले टूल पे क्लिक करके इसकी क्लैरिटी को 60+ कर देते हैं और यहाँ इसके डीएस को +20 कर देते हैं और इसकी बैकनेट को -10 कर देते हैं। अब ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल में जाके इसकी शार्पनिंग को 20 कर देते हैं और यहाँ इसकी नॉइस रिडक्शन को 35 कर देते हैं। ये कर देने के बाद यहाँ आइकॉन पे क्लिक करके हम सेव टू डिवाइस करते हैं। ये देख सकते हैं आप बिफोर और ये आफ्टर, ये हमारी फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हासिल हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।